बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैंने बनाया है ये पिज़्ज़ा बर्गर और आप देखें कितना मज़े का बनता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए देखते हैं कि ये बनता कैसे है। ये देखें, मैंने इसको बनाने के लिए ली है ये 400 ग्राम के जितनी ये बोनलेस मैंने चिकन ली है और इसको बिल्कुल आपने छोटा छोटा सा कर लेना है। ये देखें ऐसे, ठीक है, छोटी छोटी सी ऐसे इसकी बना लेनी है बोटी। और उसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 2 टीस्पून के जितना ये है सफ़ेद वाला सिरका, यानी कि वाइट विनेगर, 2 टीस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून के जितनी इसमें जाएगी ये है सफ़ेद मिर्च मतलब वाइट पेपर, और 1/2 टीस्पून के जितनी इसमें जाएगी काली मिर्च, ब्लैक पेपर ऐड कर लें, और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च। ठीक है, तीनों जाएंगी, हाफ हाफ, 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून के जितना आप इसमें ऐड करें सॉल्ट, 1/2 टीस्पून के जितनी इसमें जाएगी हल्दी, और 1/2 टीस्पून के जितने इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट। तमाम चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। ये हैं इसकी टोटल चीज़ें जो इसमें ऐड होंगी, और मैं मिक्स करने के बाद इसको मैं जस्ट मैरिनेट करके रख रही हूँ। तो मैरिनेट करने से ये होता है, किसी भी चीज़ को आप मैरिनेट करो तो उसका टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसको आप मैरिनेट करके रख दें। मैं इसको रख रही हूँ तकरीबन आधा घंटे के लिए, आप इसको 1 घंटे भी रख सकते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो देखिए, नेक्स्ट जो इसका स्टेप है वो है पिज़्ज़ा सॉस बनाने का, और इजी सा एक पिज़्ज़ा सॉस हम तैयार करेंगे अभी इसके लिए। तो ये देखिए, मैंने लिए हैं 5 से 6 टेबल स्पून टोमेटो केचप, किसी भी कंपनी का आप ले लें, जो भी आप यूज़ करते हो टोमेटो केचप लेना है आपने 5 से 6 टेबल स्पून। और उसके बाद आपने उसमें ऐड करनी है 1/2 टीस्पून के जितनी ये है लाल मिर्च, हाफ टी स्पून के जितनी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये है काली मिर्च, और उसके बाद मैं 1/2 टी स्पून ही इसमें ऐड करूँगी ये है देखें धनिया, धनिया पाउडर, ये 1/2 टी स्पून ऐड कर लें आप। और फिर आप इसमें ऐड करें ओरिगेनो, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और पिज़्ज़ा में ये जो हर्ब है ये यूज़ होती है, तो 1/2 टी स्पून ये ओरिगेनो भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ये हैं सारे स्पाइसेस और इसको जस्ट हम मिक्स करेंगे और ये हमारा इजी सा जो है ना पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गया है। इसको हम साइड कर देते हैं और फिर चलते हैं, चिकन को मैरिनेट हुए हुए हो गया है तकरीबन 1 घंटा, तो उसको जस्ट हम कुक कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने जस्ट 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड किया है, और ऑयल ऐड करने के बाद फ़ौरन ये जो मैरिनेटेड चिकन है ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, और इसको जस्ट हमने कुक करना है 8 से 10 मिनट में। ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी, और जब ये कुक हो जाएगी तो इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करनी है वो दिखाती हूँ। तो देखें, ये चिकन जो है ना 8 से 10 मिनट में कुक हो गई है। जब ये कुक हो जाए तो आपने इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करनी है। कैप्सिकम ऐड कर लें, मैंने आधी जो है ना मैंने कैप्सिकम ली थी और उसको चॉप कर लिया था और वो मैंने इसमें ऐड करी है। मैंने थोड़े से 4 से 5 मशरूम्स लिए हैं, उसको भी जस्ट रफली चॉप कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और फिर मैंने ली है एक अनियन ली है मैंने, उसको भी मैंने चॉप कर लिया, और उसके साथ मैंने ग्रीन चिली भी चॉप कर लिया है एक, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये तमाम चीज़ें मैं इसमें ऐड करने के बाद जस्ट इसको मिक्स कर लूँगी, और जो मशरूम होती है वो इसमें बहुत ही मज़े का टेस्ट देती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जब कभी भी ये मिल जाती है तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ों में इसको ज़रूर ऐड करूँ। अगर आपको मिल जाए तो आप लोग ज़रूर इसको ऐड कर लीजिएगा, और बस जब इसमें वेजिटेबल्स हम ऐड कर दें तो इसको फिर ज़्यादा टाइम नहीं देना है, जस्ट 1 मिनट या 2 मिनट के बाद मैं इसका फ्लेम जो है ना ऑफ़ कर दूँगी। ठीक है, और ये बस फिर रेडी होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखें, अब हमने लेने हैं ये देखें बर्गर बंस लिए हैं मैंने, आपने इसको 2 पीसेस में कर लेना है, और उसके बाद सबसे पहले जो आपने पिज़्ज़ा सॉस बनाया था वो हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। तो सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगा देते हैं। ठीक है, तो इसकी जो लोअर साइड है उसके हम पहले जो है ना पिज़्ज़ा सॉस लगा देते हैं। ये देखें, जो अभी बनाया था आपके सामने, ये सबसे पहले आपने पिज़्ज़ा सॉस लगाना है। उसके बाद ये जो चिकन आपने बनाई थी अभी, वो आपने इसके ऊपर ये देखें, ठीक है, ऐसे आपने रख देनी है। अब इस पे आपने रखना है थोड़ा सा मोज़रेला चीज़, और ये देखें इसके ऊपर रख लेते हैं मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये देखें ये ऐड कर रही हूँ, ये है चेडर चीज़, तो ये बड़ा ही इससे चीज़ी सा हो जाएगा दोनों चीज़ ऐड करने से।
तो ये रह गया, इसके ऊपर चेडर चीज़ भी ऐड हो गया। ठीक है, अब ये जो साइड है, अपर साइड जो है, इसके ऊपर भी हम पिज़्ज़ा सॉस लगा लेते हैं जो अभी बनाया था। इसको आप लगा लें और इसके ऊपर फिर आप रख दें। ये देखें, अच्छे से लगा लें और ये देखें, ऐसे आपने इसको रख देना है। और देन इसके ऊपर, अब देखें आपने इसके ऊपर जो है, ये देखें टॉप पे भी थोड़ा सा आपने मोज़रेला चीज़ लगा लेना है। ये देखें ऐसे, और मोज़रेला चीज़ लगाने के बाद जो है आपने इसके ऊपर थोड़ी सी कैप्सिकम रख लेनी है, छोटी छोटी सी। और अगर आपके पास ऑलिव्स अवेलेबल हैं तो ऑलिव्स भी थोड़ा सा एक आध रख लीजिएगा इसके ऊपर। और जस्ट ये रेडी है, इसको या तो आप फ्राइंग पैन में कर लें, 1-2 से 3 मिनट में ये हो जाएगा। हमें सिर्फ जो है अपना चीज़ मेल्ट करना है और बस, फिर ये रेडी है। और नहीं तो आप चाहें तो 1 मिनट के लिए आप इसको माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये जो है अब ये रेडी है, इसको जस्ट 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये फिर कुक्ड है। तो देखें, ये आपने एक पैन लेना है और उसमें ये देखें जस्ट आपने इसको ऐसे ऐड कर देना है। और आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, इसमें आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे, माइक्रोवेव में जस्ट आप 1 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। तो ये देखें जस्ट आपने इसको उसके बाद ढक देना है, ठीक है, और चेक कर लीजिएगा, हो सकता है 2 से 3 मिनट में जस्ट हमें चीज़ मेल्ट करना है, बाकी सब चीज़ें तो बनी हुई हैं। तो ये देखें 2 से 3 मिनट में जस्ट इसका चीज़ मेल्ट हो गया है, और ये बस इतना ही आपने देना है, नहीं तो नीचे से आपका थोड़ा सा लग सकता है। तो ये देखें, और फिर इसको निकाल लेना है, और इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का और चीज़ी बनता है ये, और जो पिज़्ज़ा लवर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और डिफरेंट सी है। इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।